हेलो भाभी जी, काम पे जा रहे हो? हैव अ गुड डे या क्रैक जैक? मतलब तो बिस्कुट खाने से है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की लेटेस्ट फिल्म गुड न्यूज बेशक बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हो, लेकिन अभिनेता के लिए नया साल एक बुरी खबर लेकर आई है। अभिनेता अक्षय कुमार एक विज्ञापन में काम करने को लेकर अब कानूनी लफड़े में फंस गए। जिस विज्ञापन पर विवाद हुआ है वह निर्मा कंपनी के डिटर्जेंट का विज्ञापन है। इस विज्ञापन में अक्की को एक मराठा योद्धा की भूमिका में देखा जा सकता है। वह योद्धा अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने राज में लौट आया है। उसके खराब कपड़े देख उसकी रानी नाराज हो जाती है, जिसके बाद ये योद्धा और उसकी पूरी सेना खुद ही निर्मा पाउडर से अपने कपड़े धोते हैं। विज्ञापन का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इस विज्ञापन में मराठा योद्धा का मजाक उड़ाया गया। इस एड को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग अक्षय और निर्मा कंपनी को आड़े हाथ ले रहे हैं। उनका आरोप है कि अक्षय और कंपनी ने मराठा इतिहास का मजाक बनाने की कोशिश की है। ऐसे में अक्षय को इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद मुंबई की वर्ली पुलिस स्टेशन में अक्षय कुमार और निर्मा पाउडर के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई। बॉक्स फ्रंट की बात करें तो पिछले साल 4 सुपरहिट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देने वाले अक्षय कुमार के साल एक फिल्म गुड न्यूज रिलीज हुई। फिल्म गुड न्यूज का बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। रिलीज के दूसरे हफ्ते में इस फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिल रहा है। ये फिल्म अब तक 168 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ भी नजर आ रहे हैं।